मैं कुछ दिन के अंदर ही निकलने वाला हूँ, कल या परसों निकलूँगा मैं यहाँ से। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से 15 किलोमीटर लिफ्ट लेके, मैं एक शहर, छोटा सा शहर है जिसको बोलते हैं बाराशाह, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं। और कुछ शॉपिंग करना है मुझे, कुछ छोटा छोटा मोटा चीज़ चाहिए, जैसे कि कैप, मास्क, थोड़ा टी शर्ट, एक पैंट वगैरह, एक पावर बैंक, एक हेडफोन, ये सब मैं ख़रीदने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। तो अभी हिचहाइक करके यहाँ से जाऊँगा 15 किलोमीटर, और आऊँगा मैं पैसे से आऊँगा, लेकिन जाऊँगा हिचहाइकिंग करके। तो देखते रहिए। तो गाइस, जहाँ मैं जाने वाला हूँ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लिफ्ट लेके लेके जाऊँगा मैं। तो पीपल्स ज़्यादा हैं आसपास, तो वियर्ड तरीके से देखेंगे अगर यहाँ पे मैं लिफ्ट मांगा तो। ये सोच रहा हूँ मैं कुछ आगे जाऊँ, 5-6 मिनट आगे चल के जाऊँगा, वहाँ से लिफ्ट मांगना चालू कर दूँगा। और मुझे जाना है स्ट्रेट इस तरफ 15 किलोमीटर आगे। ऐसा अगर कोई ट्रक मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो, कोई रूल्स नहीं मानते, ये सब कहीं से भी आ जाते हैं। अरे दादू कैली, बड़ा ट्रक आ नहीं रहा अभी तक, तो वेट करना पड़ेगा, कब तक आएगा। अभी स्ट्रेट इस तरफ 15 किलोमीटर जाना है मेरे को। तो छोटा छोटा गाड़ी से अगर जाऊँ तो 6-7 किलोमीटर तो लिफ्ट मिल ही जाएगा। तो अभी ये जगह अच्छा दिख रहा है मेरे को, तो यहीं से ट्राई करते हैं लिफ्ट लेने की कोशिश। तो कब तक आएंगे ये है देखने वाली बात। एक कार आ रहा है तो देखते हैं ये वाला। तो नहीं रुका ये वाला कार, चला गया। गाइस, अभी मैं लिफ्ट तो मांग रहा हूँ लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा सुस्त हो गया हूँ मैं, मतलब लेजी हो गया हूँ। 1 महीने हो चुका है मैं घर पे बैठा हूँ, अभी 2 महीने हो गया मैं वापस आ चुका हूँ घर पे, और 1 महीने से घर पे बैठा हूँ, 1 महीने काम किया था मैंने, तो अभी थोड़ा सुस्त आ गया हूँ, मतलब लेजी हो गया हूँ, तो इसलिए लिफ्ट मांगने में भी शर्म आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 15 किलोमीटर जाना है आगे, पैसा मैं यूज़ करने वाला हूँ नहीं। देखते हैं क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। हेयर स्टाइल बहुत ही गंदा हुआ है मेरा, पता है मेरे को, मैनेज हो जाएगा 1 महीने के अंदर, कोई बात नहीं। अभी ये देखिए मेरे पीछे, देखिए ये रास्ता एकदम पूरा एकदम क्या बोलते उसको, एम्प्टी है। और भाई ये हम आ गए हमारे कैंप साइट, तो इसका वीडियो शायद मैं बना नहीं पाऊँगा। ये है कैंप, SSV कैंप, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो इससे तो मैं जाऊँगा नहीं। और मैं इस जगह पे क्यों रुका हूँ, इसका एक ही कारण है, एक छोटा एक होटल टाइप का है, ढाबा। तो जो ट्रक ड्राइवर है ना, तो उनको आदत लग जाता है इस तरफ देखने के लिए। अभी एक कार आ रहा है, देखते हैं लिफ्ट मांग के जाने वाला, वो चला गया। तो अभी मुझे याद आ रहा है कि कितना दिक्कत आने वाला है आने वाले टाइम में। तो बहुत टाइम हो चुका है मैं घर में बैठा हूँ, सुस्ता गया हूँ, एकदम लेजी हो गया हूँ। तो अभी अचानक से मैं निकला हूँ रास्ते पे, अभी ये जो चैलेंज है 15 किलोमीटर विदाउट एनी मनी लिफ्ट लेके लेके जाना, तो अभी देखते हैं कितना हो पाता है। तो इससे मेरे को याद आता है कि कितना दिक्कत अब मुझे झेलना पड़ेगा रास्ते में, रोड में। वैसे मज़ा भी है इसका, अलग से मज़ा भी है, ऑब्वियसली मज़ा है, लेकिन अगर आपका पैशन घूमना नहीं है, हिचहाइकिंग नहीं है, तो आपके लिए सज़ा भी बन सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना लिफ्ट लेके लेके दुनिया घूमना। तो अभी मेरे पास पैसे हैं, तो मैं 20 रुपये खर्चा करके पहुंच सकता हूं जहां मैं जाना चाहता हूं। लेकिन मैंने जो संकल्प लिए हैं 15 किलोमीटर, या कुछ भी नहीं, एक एक दिन में मैं 600-700 किलोमीटर जाता था हिचहाइक करके करके। गाइस, एक ट्रक आता हुआ दिख रहा है मेरे को, तो अभी देखते हैं थम्स अप का साइन दिखा के रुकते हैं कि नहीं। लगता तो है नहीं रुकेगा, वैसे कोविड का कोई चक्कर तो है नहीं यहाँ पे, फिर भी रुक नहीं रहे। वैसे दिख रहा हूँ बहुत ही घटिया और डेंजरस सा दिख रहा हूँ मैं वैसे। और ये यहाँ का
बंगाल का खेत, पैडी फील्ड। तो गाइज अभी हो चुका है आधा घंटा, तो कोई लिफ्ट मिला नहीं, लेकिन मैं 15 मिनट से लिफ्ट का साइन दिखा रहा हूँ अभी रास्ते पे। एक दोस्त से बात कर रहा था मैं, तो अभी देखते हैं कितने देर टाइम लगता है मेरे को 15 किलोमीटर पहुँचने में। ये क्या है ना, ये जो रोड आप देख रहे हो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, मतलब जगह कम है, इसे एक गाड़ी अगर रुक जाए ना तो दूसरा गाड़ी को रुकना पड़ेगा, तो इसीलिए शायद कोई रुक नहीं रहा। तो अभी देखते हैं, नहीं रुके। कंट्री रोड टेक मी होम, नॉट अ सिंगल कार इज स्टॉपिंग राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाई, इट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ माई लुक, डोंट नो, बट पहुँच तो जाऊँगा अभी, एक घंटे के अंदर पहुँच ही जाऊँगा, कोई ना कोई तो लिफ्ट दे ही देगा, देखते हैं क्या होता है। ये ट्रक बोले भैया हमारे साथ। तो गाइस अभी मुझे एक लिफ्ट मिल चुका है एकदम 15 किलोमीटर तक, टोटल 12 साथ, मतलब जहाँ मैं जाऊँगा वहीं तक का लिफ्ट मिल चुका है अभी मेरे को। तो ये भैया मुझे ले जा रहे हैं अभी। तो 15 मिनट वेट करने के बाद अभी मुझे 15 किलोमीटर का लिफ्ट मिल चुका है, थैंक्स टू दिस ब्रदर। सात आठ किलोमीटर बाकी है अभी। अभी मैं इस दुकान पे हूँ, बैनर्जी ट्रेडर्स, तो यहाँ से मैं एक बॉटल खरीदूंगा, ये बॉटल मेरे काम आएगा, पता नहीं बॉटल खो जाता है मुझसे। ओके, यहाँ से पानी निकलेगा देखो। अच्छा, तो ये यहाँ से प्रेस करने पे ये खुल जाएगा ये वाला। प्राइस कितना बोला अंकल आपने? मेरे को सिंगल चाहिए होगा, साठ रुपये। ओके अंकल जी, मिलते हैं फिर, आएंगे फिर कभी। तो गाइज आते हैं, कुछ और भी देखना पड़ेगा, ठीक है अंकल, बाय। तो अभी मैं आ चुका हूँ कॉलोनी मोड़, तो यहाँ से मुझे एक पैंट, दो शर्ट, एक टोपी, एक मास्क खरीदना होगा। तो अभी ब्रिज के नीचे से जाना पड़ेगा, वहाँ जो लोकल वेंडर्स बैठते हैं ना उसके, उन लोगों के पास से ही खरीदना होगा मुझे। और ये हाई रोड से नीचे उतर जाता हूँ मैं, कोई थप्पड़ वप्पड़ जड़ देगा कान के नीचे। तो गाइस अभी मैं टी शर्ट देख रहा हूँ कि भैया निकल रहे हैं कुछ, तो मेरे को जो चाहिए वो है कॉलर छोड़ के। तो ये भैया दिखा रहे कॉलर वाला, तो देखते हैं अगर पसंद आएंगे तो लूँगा, नहीं तो नहीं। तो गाइस ये वाला दुकान पे ट्राई करते हैं थोड़ा, टू बी टेलिंग। अस्सी रुपये। तो गाइस अभी मैं पिछले वाले दुकान से ये वाला शर्ट खरीदा हूँ मैं, ये मेरे को 250 रुपये में पड़ा। और इस वाले दुकान से एक टोपी खरीदा और एक बेल्ट खरीदा मैंने। तो अभी जो छोटा मोटा चीज़ है ये तो पूरा हो चुका है, अभी मेरे को एक पावर बैंक खरीदना है और एक हेडफोन खरीदना है, और ये मैं सबवे के अंदर से उस तरफ जाऊंगा, बोला नहीं जा रहा है मुझसे, अभी वो आदत रहा नहीं, पहले जैसा ब्लॉग बनाने की आदत रहा नहीं मेरे को, धीरे धीरे प्रैक्टिस होता जाएगा। तो कोई नहीं, चलते चलिए। तो गाइस अभी तक मैंने पावर बैंक, एक टोपी, एक बेल्ट, एक हेडफोन और ये वाला शर्ट अभी तक खरीद लिया मैंने।
तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ एक ऐसे स्कार्फ टाइप का जो पहले वीडियो में देखे होंगे आप, ऐसे पहन के रखा था मैंने यहाँ से धूल से प्रोटेक्शन करने के लिए, वो वाला चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ से। तो अभी वो मिल जाए तो पूरा जो जो ख़रीदने का लिस्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा, और बाद बाकी सामान तो है ही घर पे, जैसे कि टेंट है, स्लीपिंग बैग एंड ऑल। तो गाइस जो जो मुझे ख़रीदना था अभी मैं टोटली कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी घर की तरफ वापस जाना है। तो ये सोच रहा हूँ कि हिचहाइकिंग करके जाऊँ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँ मैं। चलो कुछ बुक देखते हैं, आते वक्त तो हिचहाइकिंग किया था, अभी देखते हैं क्या करता हूँ मैं। To return home right now. अभी 4 घंटे हो चुका है मैं आया हूँ यहाँ पे, अभी सोच रहा हूँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके घर चला जाऊँ, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं खरीदने आया था वो तो हो चुका है खरीदना। मैंने एक टोपी खरीदी, एक बेल्ट खरीदा, एक ये वाला शर्ट, एक पावर बैंक, एक हेडफोन वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें, तो अभी और कुछ चाहिए नहीं है, और बाद बाकी सामान जो घर पे है उससे हो जाएगा। तो अभी घर की तरफ बढ़ते हैं, अब कुछ खाएंगे कहीं पे जाके, उसके बाद घर लौट जाएंगे। ठीक है, अभी घर वापस जा रहा हूँ, जो जो ख़रीदना था अभी हो चुका है ख़रीदना। तो ये वीडियो उतना ज़्यादा अच्छा होगा नहीं, बट इसके बाद मैं कल या परसों निकलूँगा यहाँ से, मेरे घर से निकल जाऊँगा इंडिया ट्रैवल करने के लिए टोटल हिचहाइकिंग। तो तब जो जो वीडियो आएगा वो वीडियो अच्छा होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये वीडियो जस्ट एक अपडेट था कि क्या क्या ख़रीदना है मुझे, और जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।